एंड वेलकम स्टूडेंट डिस इज सुबराज एंड आई वेलकम ऑनलाइन क्लासेज हर सो इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ सिविक्स वी है डेमोक्रेसी दियर ओके सो इन दिस वीडियो डिस्कस फ्रॉम हियर रिकोगनाइजिंग डिग्निटी ओके सो रिकोगनाइजिंग डिग्निटी मीन्स जब हम किसी के आत्म सम्मान की बात करते हैं किसी की गरिमा की बात करते हैं या फिर किसी की शान की बात करते ओके सो यू हैव अंडरस्ट By now that the caste we are born into, the religions we practice, the class background we came from, whether we are male or female, these are often the thing that determine why some people are treated unequally. ठीक है हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं हम कौन सी कास्ट में हमने जन्म लिया है या फिर किस धर्म को हम मानते हैं ओके और किस बैकग्राउंड से हम आते चाहे हम मेल हों या फिर फीमेल हो ओके और इसी आधार पर क्या होता है जो सोसाइटी होती है सोसाइटी में क्या होते हैं पीपल क्या होते हैं अनुकूली ट्रीटेड किए जाते हैं ओके सो so, ओम प्रकाश बाल्मिकी एंड द अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनवली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों को दोनों किस हिसाब से क्या है अनइली अनईक्वली ट्रीटेड किए गए थे उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन किया गया था भेदभाव किया गया था किसकर बेस पर कास्ट और रिलीजियस यानी जाति और धर्म के बेस पर when पर्सन आर ट्रीटेड अनविकली दियर डिग्निटी इज वॉल्टेड जब कोई भी पर्सन क्या होता है अनविकली ट्रीटेड किया जाता है उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो उसके आत्म सम्मान को क्या क्या पहुँचती है ठेस पहुँचती है या फिर उसकी जो गरी में आती है उस पर ठेस पहुँचती है द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश बाल्मीकि एंड द अंसारी वन वोलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट ओम प्रकाश बाल्मीकि हर्ट डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू द ऑल अदर स्टूडेंट इन द स्कूल देखो हुआ क्या कि जो ओम प्रकाश बाल्मीकि थे जो ओम प्रकाश बाल्मीकि थे तो उनके टीचर ने जो स्कूल उनके टीचर ने और उनके जो स्कूल मास्टर थे ओके okay? मतलब स्कूल के जो क्या थे प्रिंसिपल थे ओके okay? उन्होंने क्या किया था उनसे क्या किए थे स्वीपिंग का मतलब पूरी की पूरी स्कूल की सफाई करवाती तो इससे उनकी जो डिग्निटी है उस पर क्या पहुंची है बहुत ठेस पहुंची है क्योंकि उन्हें यह बता दिया गया है कि आप जो क्या हो जो हॉर क्लासमेट है उनसे क्या हो अलग हो या फिर उनसे क्या हो नीचे हो ओके सो डिग्निटी द अंसारी डिटी वॉज ऑल्सो हर्ट वेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज दियर अपॉइंटमेंट टू देम और इसी हिसाब से क्या है जो अंसारी लोग थे उनकी डिग्निटी को भी क्या पहुँचाए ठेस पहुँचाए और उन्हें यह बताया कि आप क्या हो मतलब दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते होवर वेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट दैट देंज दियर नेम्स इट वॉज डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज देम सजेशन तो बाद में क्या किया था प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया था अंसारी लोगों को कहा था कि आप क्या करो मिस्टर Mr. और मिसेस अंसारी की जगह क्या करो मिस्टर एंड मिस्टर कुमार कर दो लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डिग्निटी को अपनी गरिमा को बचाने के लिए क्या कि ऐसा नहीं किया और क्या रखा मिस्टर Mr. और मिसेस अंसारी ही रखा ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स ठीक है अब ओम प्रकाश और अंसारी लोग बिल्कुल भी इस तरह के जो बर्ता उसके लिए नहीं है उन सब के लिए नहीं है जबकि क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हम सब के लिए क्या करती है बराबर राइट देती है और जैसा बढ़ताओ हम खुद खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही क्या होता है नाउ वी हैव इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है लोकतंत्र में भारतीय लोकतंत्र में जो समानता है समानता किस रूप में देखी जा सकती है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज एवरी पर्सन एज इक्वल जो भारत का क्या है संविधान है वो सबको क्या कैसा देखता है बिल्कुल सबको बराबर है उनको उसके पास क्या है सबके पास क्या है बराबर राइट्स है दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूड मेल और फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजियस ट्राइब्स एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकोगोगोगनाइज एज इक्वल इसका मतलब ये हुआ कि सभी भारतीय नागरिक इस देश के सभी भारतीय नागरिक चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो किसी भी जाति के हो किसी भी धर्म के हो ठीक है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो बुरी हो सभी के सभी क्या है समान है दिस इज नॉट टू से दैट इन इक्वलिटीज टू एग्जिस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है कि जो इनइलिटी वो क्या हो गई है खत्म हो गई है इट डज नॉट बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑलन इज रिकोगनाइजिंग मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है लोकतांत्रिक देश में क्या होता है इन सब के लिए क्या है प्रोविजन है कि हम सब लोग क्या है बराबर हैं इन अर् नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटेड नाउ देर आर से people are treated with dignity and as equal देखो जो पहले हमारा जो क्या था जब संविधान नहीं बना था तो उससे पहले किसी भी प्रकार का कोई हमारे पास लॉ नहीं था किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि जो पीपल कैसे हैं डिस्क्रिमिनेटेड किए जा रहे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया था ओके द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जैसे कौन कौन से फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ मतलब सभी लोग क्या होंगे कानून के समक्ष क्या होंगे बराबर होंगे वट इट मींस इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता चाहे वो क्या हो हमारे देश का क्या हो प्रेजिडेंट हो या फिर एक छोटे से डोमेस्टिक वर्कर कौन हो कांता हो ओके हैज टू ओबे द सेम लॉ सबके पास क्या होंगे बराबर मतलब सभी क्या होंगे कानून के समक्ष क्या होंगे बराबर होंगे सेकेंड नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ एंड वेदर दे आर मेल और फीमेल और किसी कोई भी इंसान कोई भी इंडियन सिटीजन क्या नहीं किया जाएगा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किस बेस पर चाहे वो किसी भी धर्म का हो ओके जा, किसी भी जाति का हो कहीं पर भी रहता हो चाहे वो मेल या फीमेल हो थर्ड Every person has access to all public places, including playground, hotels, shops, and market. सभी लोगों का तीसरा ये प्रावधान है कि सभी लोग कहाँ पर किसी भी पब्लिक प्लेस में आ सकते हैं जा सकते चाहे वो प्ले hotel, हो होटल हो शॉप हो या फिर मार्केट हो All person can be publicly available wells, roads, and bathing गार्ड्स ओके okay? और सभी के लिए क्या है कोई भी wells हैं roads हैं और bathing गार्ड क्या है मतलब खुले हैं Fourth अन टचेबली हैज बिन अपिस्ड और हमारे संविधान में या फिर हमारे लॉ में एक चीज भी है अनटचेबली छुआछूत को क्या कर दिया गया है खत्म कर दिया गया है ओके द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम टू हेल्प डिसएडवाटेमेज कम्युनिटी ओके अब होता क्या है हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कैसे इल ट्रीटेड किया जाता है या फिर उनके साथ क्या किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है इस इम्प्लीमेंशन के लिए क्या कर रही है ताकि उनको क्या मिल सके समानता मिल सके टू टाइप्स के मतलब एक तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या है गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है कुछ स्क्रीम स्कीम चला रही है जिससे क्या है उस कम्युनिटी को क्या मिल सके फ़ायदा मिल सके देयर आर सेवरल लॉ

कंट्रीज तो एक तो क्या हुआ एक तो उनके लिए क्या बना रखें कानून बना रखें और दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रही है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी क्या कर रही है चला रही है जिससे कि इस कम्युनिटी को क्या मिल सके इसका अधिकार मिल सके या फिर वो सबके समान क्या हो उस पर बर्ताव किया जा सके दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट ठीक है तो ये एक तो गवर्नमेंट के जो लॉ है और दूसरी जो क्या है स्कीम है इन दोनों का क्या मिल सके इन लोगों को क्या मिल सके फायदा मिल सके जो इनके पास पहले नहीं था ओके सो स्टूडेंट फ्रॉम हियर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो सो कीप ऑन वाचिंग वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय